हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वार यूट्यूब चैनल। और हमारी जो सीरीज चल रही है स्पेशली एमपी पुलिस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो उसका ये लेक्चर नंबर 20 होगा। और अभी तक हमने मैथ्स के 19 लेक्चर अपलोड कर दिए, जो कि सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। मतलब जो आपका 3 से 4 नंबर का जो सिंप्लीफिकेशन आता है, वो सारे टॉपिक हम अभी कम्प्लीट करा चुके हैं। और इसमें भी हम सरलीकरण से रिलेटेड 2 टॉपिक देखेंगे, जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आते हैं। यदि आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप सेकंडों में इन चीजों को कर पाओगे। और जिन लोगों ने अभी तक के 19 लेक्चर जो अपलोड हुए नहीं देखे, तो आप इन्हें देख लीजिए। इससे ये होगा कि 3 से 4 नंबर के आप हकदार हो जाएंगे। व्यापम के कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, या तो वो संविदा वर्ग 3 भी हो सकता है, पटवारी हो सकता है, या फिर लेवल इंस्पेक्टर, या फिर एमपी पुलिस। पर स्पेशली हम इसमें जो सिलेबस करा रहे हैं, स्पेशली एमपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए करा रहे हैं। तो आइए आज हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अंडर रूट दिया जाएगा 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.02 का स्क्वायर, 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर। तो इस सेम पैटर्न में हमने क्वेश्चन लिख रखा है, 4 क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन सेम है, और वैसे ये लास्ट के 2 क्वेश्चन सेम है। जैसे यहाँ लिख रखा है 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.02 का स्क्वायर प्लस 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। यदि आप जो भी मेथड जानते हैं या कहीं आप कोचिंग जा रहे हैं, तो आप दोनों क्वेश्चनों को आप जरूर ट्राई करिए। दोनों टाइप के 2 क्वेश्चन, ये अगले टाइप हो गया, 2 फर्स्ट टाइप के हो गए। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों क्वेश्चनों को अपने वीडियो में जरूर शामिल करूं मैं। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले हम लॉन्ग देख लेते हैं, उसके बाद एक शॉर्ट देख लेंगे कि शॉर्ट में आप कैसे सॉल्व करोगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, अंडर रूट, पहले लॉन्ग देख लेते हैं ना, 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसी के पूरे के डिवाइडेड में था 0.02 का स्क्वायर प्लस 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर, ये दे रखा है। अब इसे सॉल्व करें तो एक चीज आप समझिए, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, ठीक है, मतलब यहां आपको जो दे रखा है कितना, 0.2 का स्क्वायर। एक चीज ये समझिए, अगर मुझे ऐसा कुछ दिया हो, सपोज 0.02, और मैं अगर इसे सॉल्व करना चाहूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। पॉइंट अगर हटाना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 2/100, और इस 100 को मैं लिख सकता हूं कितना, 2/10 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर इस 10 से 2 को भाग दूं तो 0. कितना आ जाएगा, 2/10। मतलब मैं इस 0.02 को क्या लिख सकता हूं, 0.2/10 ऐसा लिखा जा सकता है। आई होप आप चीजें समझोगे, 0.2/10 लिखा जा सकता है। अगर समझ में ना आए तो एक बार रिपीट कर लेना इस चीज को, है ना, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 0.2 का स्क्वायर प्लस यहां क्या लिख दूं मैं, 0.3 का स्क्वायर, और आगे चल के शॉर्ट बता रहे जो कि आप एक ही लाइन में आंसर दे दे रहोगे। तो यहाँ जाएगा 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। पूरे के बटे में अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ जाएगा, देखो 0.2/10 और पूरे का वर्ग प्लस 0.3/10 पूरे का वर्ग प्लस यहाँ जाएगा 0.4/10 पूरे का स्क्वायर प्लस 0.5/10 पूरे का वर्ग, ये कुछ आ रहा होगा। एक स्टेप अगर और सॉल्व करें तो ऐसा कुछ इसको भी लिखा जा सकता है। देखिए 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर अपॉन में, देखो यार ये तो हमारे पास अगर अंश की बात करूं तो 0.2 का स्क्वायर है, यहां अगर हम देखें तो देखो बटे में 100 है, इसका मतलब यहां कितना जाएगा 100, देखो बटे में 10 का स्क्वायर होगा तो आ जाएगा 100 प्लस 0.3 का वर्ग डिवाइडेड बाय इसके बटे में भी कितना जाएगा 100, क्योंकि 10 का वर्ग करोगे तो 100 हो रहा होगा, प्लस 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100,
प्लस 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। अगर हम इन तीनों का ले ले क्या एलसीएम, बटे वाली राशि का ले लेते एलसीएम, और बटे वाली राशि का अगर हम एलसीएम ले तो ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, अंडर रूट 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस यहां जाएगा कितना 0.5 का स्क्वायर, पूरे के बटे में कितना जाएगा अंडर रूट को बड़ा कर लेते हैं, यहां जाएगा 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। बटे में हमने एलसीएम लिया है किसका, इस 100 का, तो एलसीएम जब लोगे तो बटे में जाएगा कितना 100। एक स्टेप और आगे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे होंगे, ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, और जब वैल्यू अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा क्या अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट बच जाएगा 1 अपॉन पूरे के बटे में 1/100, बटे की राशि जब पलटेगी तो ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 100 / 1, और 1 की जरूरत नहीं है, 100 किसका वर्ग है 10 का, तो आंसर फाइनली आ रहा होगा हमारा 10। अब ये देखिए शॉर्ट में इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें पेपर में आता है तो आप एक लाइन में ही इसका आंसर दे चुके होंगे। अब देखिए इसे शॉर्ट में सॉल्व करना है तो करेंगे क्या, ये हमारे पास यही क्वेश्चन हमने फिर से ले लिया है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए अंश में जो वैल्यू है, मतलब अंश में हमारे पास वैल्यू है 0.2 सपोज, तो अगर मैं बटे वाली वैल्यू जो मेरे पास 0.02 है, ठीक है ये 2 बना लेते हैं, 0.2 है, अगर मैं एक पॉइंट इधर ले जाऊं, ठीक है एक पॉइंट अगर इधर ले जाऊं, तो आप ये बोलोगे यार कि अंश में अगर मैं 10 का गुणा कर दूं तो ये पॉइंट कहां चला जाएगा इधर, मतलब पॉइंट एक अंक इधर ले जाओगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, देखिए 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय कितना 0.2, ठीक है, अगर देखिए क्योंकि 10 से फिर से आप इसको भाग दोगे तो इतना ही आ जाएगा जो वैल्यू हमारे पास थी, इससे ये वैल्यू कट जाती है, मतलब कहने का मतलब बचता कितना है 10, या तो ये बोल सकते हैं कि यार जब पॉइंट को अगर एक अंक राइट साइड ले जाया जाता है, पॉइंट को एक अंक राइट साइड ले जाया जाता है तो एक अंक इधर ले जाओगे ना राइट साइड तो 10 वाला आंसर होगा, मतलब आंसर होगा कितना 10। जैसे हम और क्वेश्चन देख लेते इसी के, देखिए जैसे हमने ये क्वेश्चन देखे थे सबसे पहले कि यार देखो पॉइंट को अगर मैं बटे वाली संख्या से एक अंक इधर ले जाऊं राइट साइड, क्योंकि ऊपर वाले के इक्वल बनाने के लिए मुझे पॉइंट एक अंक को राइट साइड ले जाना पड़ेगा, और जब बटे वाली संख्या को अगर मैं राइट साइड ले जाऊं ना तो आंसर मेरा आएगा 10, ठीक है। वैसे ही देख लो ये अगला क्वेश्चन, अगर पॉइंट के एक अंक में राइट साइड ले जा रहा हूं पॉइंट को, और जब एक अंक राइट साइड ले जा रहा हूं तो अंश में मेरे पास 10 का गुणा हो रहा होगा, परंतु यहां वर्ग होने के कारण मेरा 100 होगा, और अंडर रूट से जब बाहर निकालोगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 10। वैसे देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन है, लॉन्ग आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, मुझे पॉइंट को एक अंक, अंश वाली राशि का पॉइंट एक अंक इधर ले जाना है राइट साइड, एक अंक इधर ले जाना है राइट साइड, एक अंक इधर ले जाना है राइट साइड, यार अगर मैं गुणा करना चाहूं तो बटे में मैं गुणा कर सकता हूं, देखो बटे में गुणा कर सकता हूं किसका 10 का, परंतु अंश में है वर्ग इसलिए मैं किसका गुणा करना पड़ेगा मुझे 100 का, मतलब फाइनली आप जब सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू आपके पास आ रही होगी 1/100, और सॉल्व करोगे तो आंसर कितना जाएगा 1/10। कहने का ये तात्पर्य है कि अंश वाली संख्या का पॉइंट अगर आप एक अंक राइट साइड ले जा रहे हैं तो 1/10, अगर हर वाली संख्या जो डिनोमिनेटर वाली संख्या का एक अंक अगर आप राइट साइड ले जा रहे हैं तो 10 आएगा ओनली। वैसे हम देखो यहाँ अंश वाली संख्या का पॉइंट एक राइट साइड ले जा रहे हैं, इसका मतलब 1/ कितना आएगा 10, अगर दो अंक इधर ले जा रहे होते तो आंसर कितना आ जाता 100। वैसे ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में भी मैं पर डे वीडियो अपलोड करता हूं, जिससे ये सारी चीजें आपको सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड और आगे चल के हम सारे चैप्टर भी करेंगे मैथ्स के और व्यापम से रिलेटेड सारे एग्जामों की तैयारी कराई जाएगी, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपका फायदा अच्छा खासा हो सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।